मुझे नौकरी चाहिए। कुछ ऐसे ही प्रस्ताव आज भाजपा नेता और सांसदों के समक्ष रखी गाजलडोबा के मंदित्री के रहने वाले मृतक उलिन राय की पत्नी ने। ज्ञात हो कि कल यानी कि सोमवार को उत्तर कन्या अभियान के दौरान उलिन राय की मौत हो गई थी। आज जब सांसद राजू बिष्ट, इसके अलावा कूचबिहार के सांसद निशित प्रमाणिक और जयंत राय, ये सभी और भाजपा कार्यकर्तागण जब उलिन राय की पत्नी से मिलने के लिए गए, तो उनके सामने बिलख बिलख कर रोते हुए उनकी पत्नी ने बताया कि उनके पति पंचायत प्रधान बनने के इच्छुक थे। अब वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे और उनके 3 बच्चे हैं जो कि पढ़ते हैं। उनके चले जाने के बाद अब उन्हें कौन देखेगा, और इसी की मांग में वो कह रही हैं कि अपने भरण पोषण और बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें नौकरी ही चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जहां पर यह पता चलता है कि शॉट गन से उलिन की मौत हुई है। वहीं राज्य पुलिस ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि पुलिस किसी भी प्रकार की इस तरह की बुलेट गन, शॉट गन नहीं रखती है। भाजपा कार्यकर्ता ही इस प्रकार के शॉट गनों को कल व्यवहार किए होंगे। कुछ ऐसे ही आरोप लग रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं पर। वहीं दूसरी तरफ राज्य पर्यटन मंत्री गौतम देव को भी यह खबर मिली है और उन्होंने भी कहा है कि वो उलिन राय के घर परिवार वालों से मिलेंगे। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ এখন আর পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ নেই। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ প্রশাসন এখন তৃণমূল কংগ্রেসের পুলিশে পরিণত হয়ে গেছে। কালকের যে ঘটনা আপনারা দেখেছেন, যে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা একটা শান্তিপূর্ণভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে যুব মোর্চার একটি র্যালি হচ্ছিল, প্রত্যেকটি পার্টির, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের এটা গণতান্ত্রিক অধিকার আছে যে তাদের বিভিন্ন দাবি দাবার কথা তারা তুলে ধরতে পারে, তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক র্যালি করতেই পারে। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন যেভাবে কালকে দুষ্কৃতির মতন আচরণ করেছে, আজকে আমরা দেখেছি যে গতকাল উলেন রায়ের মতন একজন বরিষ্ঠ কার্যকর্তাকে নির্মমভাবে, তাকে কিন্তু ছড়া বন্দুক যে রয়েছে, যেখান থেকে ছড়া গুলি বেরোয় সেই বন্দুক দিয়ে কিন্তু গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমি বলবো যে পুলিশের এই পৈচাসিক রূপ বাংলার মানুষ এর আগে দেখেনি। আজকে বাংলার পুলিশ মন্ত্রী, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, তার নেতৃত্বে বাংলায় যেভাবে গণনিধন চলছে, এক কথায় বলবো, বাংলাকে একটা নরকের পরিস্থিতি, পরিবেশ তৈরি করবার, নারকীয় পরিস্থিতি তৈরি করবার চেষ্টা চলছে। আজকে সারা বাংলার মানুষ জাগ্রত হয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে ভারতীয় জনতা পার্টির ডাকা আজকের বন্ধকে উত্তর বাংলার মানুষ দুহাত ভরে সমর্থন করেছে এবং আজকের বন্ধকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে। দেখি আম পরিবার কে সাথ হে, রূপে পেসে ইয়া নোকি, ইয়া সব বাত কি বাত হে, মার্কেট আছে, লেকিন আসলি বাত ইয়ে হে কি উলেন জি কি জো হে ये नेचुरल डेथ नहीं है, पुलिस ने हत्या की है। हम चाहते हैं, हमारा फर्ज है, वो हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे लिए एक एक कार्यकर्ता मायने रखता है, क्योंकि हम किसी एक परिवारवाद की पार्टी नहीं है, हम एक विचारधारा की पार्टी है। हमारे लिए कार्यकर्ता हमारा परिवार का एक साथी है, एक मेंबर है, हम परिवार के साथ हैं। हमारी प्राथमिकता ये है कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए। न्याय कैसे मिलेगा, इसकी सीबीआई जांच के लिए हम सारे सांसद, अभी हम गृह मंत्री जी से बात करेंगे, हम गृह मंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, हम हाईकोर्ट में भी अप्रोच करेंगे परिवार के थ्रू कि इसके ऊपर में सीबीआई इंक्वायरी हो। सीआईडी ममता दीदी की अपनी सीआईडी है, वो जनता की या पश्चिम बंगाल की सीआईडी नहीं, हम उनको नहीं मानते। आज तक सीआईडी में जो भी केस हाथ में लिया, इसका कोई नतीजा निकला नहीं है, वो सारे बेनतीजा निकले हैं। सो हम ये पहली मांग ये करते हैं, परिवार को न्याय मिले, पुलिस ने जो हत्या की है उन पुलिस वाले को सजा मिले। ये कल की घटना रोकी जा सकती थी, लेकिन जानबूझ के पुलिस ने गोली चलाई, हमारे कार्यकर्ता ऊपर में पैलेट बरसाए गए और हमारे कार्यकर्ता की मौत हुई है। 150 से ज़्यादा कार्यकर्ता अभी भी अस्पताल में या घरों में घायल पड़े हुए हैं और उलेन जी की मौत हुई है। दिन दाड़े बीच सड़क पर
इस तरह से गोली मारने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है। इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहता हूँ, आप खुद माँ हो, आप बहन हो, आप दीदी हो, लेकिन आपके रहते अगर पश्चिम बंगाल की जनता मर रही है तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आना चाहिए आपको। आपने पश्चिम बंगाल की गरीब जनता को गोली मार करके मारने का आप जो काम कर रही हो, माफ कर रहे हो, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपको शराब लगेगा, इन छोटे छोटे बच्चों का हाई लगेगा, आप जियोगी नहीं, आपको इसका जो है दंड भगवान जरूर देगा। आप जैसी मुख्यमंत्री को बंगाल जैसे साफ सुथरे प्रांत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम आपको मुख्यमंत्री नहीं मानते, हम आपका बहिष्कार करते हैं। आप हमारे लोगों को मार रही हो, आप हमारे कार्यकर्ता को मार रही हो, इतनी घटिया किस्म की आप राजनीति करती हो। आपको मुख्यमंत्री पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। रही बात परिवार का, हमको आपसे पैसा नहीं चाहिए, आपकी हमको नौकरी भी नहीं चाहिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए जो भी पैसा आएगा, मैं निशिदा और जयंतदा, हम पूरी तीनों बच्चों की ग्रेजुएशन तक की जो भी खर्चा आएगा वो हम उठाएंगे, इनका पढ़ाई अच्छे से देंगे। आपको इस घटिया टीएमसी सरकार से एक रुपया एक दाना भी हमको नहीं चाहिए। हम तीनों बच्चे की पढ़ाई कराएंगे, परिवार में पैसे की कमी आने नहीं देंगे। हमारी पार्टी, जैसे मैंने बताया, हम एक परिवार की तरह काम करते हैं, परिवार की हम चिंता करेंगे, लेकिन जिनको हमने खोया है हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये हमारा फर्ज है, जिन्होंने उनको मारा है उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनको जेल के अंदर तक जब तक नहीं ठूसेंगे तब तक जो है हम रुकेंगे नहीं। ये ममता दीदी जानबूझ करके पश्चिम बंगाल की जनता को जो मरवा रही है, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं, कौन लेगा जिम्मेदारी? क्या जरूरत थी पुलिस को कल जोली चलाने की? क्या जरूरत थी पैलेट चलाने की? क्या जरूरत थी साफ सुथरा आंदोलन जो शांति तरीके से चल रहा था उसके ऊपर में इस तरह से बम बरसाने की? ये बर्बरता है, ये अन्याय है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, घर दुकान मकान गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, थर्ड माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 9709 81। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, एचडी लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ latest technology के साथ सभी brand की गाड़ियों की servicing होती है, 20 minute में ही car wash, in-house automatic color बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही call कर appointment book कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF Road, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी।